Joy. उसकी रोती हुई आंखें, उन्होंने मुझसे कहा था कि उसकी वो मुस्कान और प्यार भरा दिल सब उसके लिए है। शायद मेरे लिए कुछ नहीं था। I'm sorry. मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। जो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में बस गई है, सही कहा ना? तुम्हें पता नहीं है हमारी वजह से दूसरों को कितना दुख होगा। देखो तुम, वो और मैं, तुम प्यार के काबिल नहीं हो, ना उसके ना मेरे। नहीं, जुहाई, जुहाई, मत जाओ। मैं फिर भी तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। जुहाई, Joy. 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 ये क्या है? वाह, कितना सुंदर है। अरे वाह, कांगवू का दिया हुआ ये सबसे पहला तोहफा है, यहाँ छिपा के रखा है। ये दिखने में कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। लीहा? हाँ आई। कांगवू, वोहा को जो नेकलेस बहुत पसंद था वो शायद मुझसे कहीं खो गया है जब मैं बाहर गई थी। जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। अब इस कार को क्या हो गया? वैसे घर तो आ ही गया है, पैदल भी जा सकते हैं। तुम अब भी नाराज हो मुझसे? मैं बस थोड़ी निराश हूँ, जिंदगी में आपके साथ ऐसी बातें हमेशा नहीं होती। देखो, मैं सच में वहां पर जाने वाला था पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था। कांगवू, 10 मिनट और।
वोहा, इस बॉक्स को तुम क्या पीछे डिक्की में रख दोगी? लेकिन ऐसा क्यों? क्या मैं इतना सा भी नहीं ले सकती? मैं इसे ले जाऊंगी। अरे शादी का दिन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे सजा दे रही हो तुम। अच्छा ठीक है। आज वोहा का मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें घर जाना चाहिए। ये कहां गई? वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही आज वोहा की मौत होगी।
अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हें मिले हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और शादी कर रहे हो। दिल ही की तरह जो देखा सब समेट लिया। उस पुराने बैग में उस लड़की की पुरानी चीजें नहीं थी जिससे वो प्यार करता था, बल्कि ये उसके प्यार की निशानियां हैं, उसके दर्द भरे प्यार की कहानी है जिसे वो अभी भी सीने से लगाए हुए है। पिग्मेलियन नाम का एक मूर्तिकार था जिसने हमेशा सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया ताकि वो उसका प्यार पा सके जिसके वो हमेशा सपने देखा करता था। उसने मूर्तियां बनानी शुरू की अपने सपने को पूरा करने के लिए। उसने काम करना शुरू कर दिया, आंख, नाक, होंठ, यहां तक कि बाल का एक एक रेशा भी। जैसे ही उसने उसकी तरह दिखने वाली मूर्ति बना ली तो वो उसी मूर्ति के प्यार में पड़ गया जो उसने बनाई थी, पर उसे नहीं पता था कि भले ही उसने उसका चेहरा बना लिया हो लेकिन उसे सच में अपना बनाने के लिए उस मूर्ति में धड़कते हुए एक दिल की जरूरत थी जो उससे प्यार कर सके। उसके प्यार को पूरा करने के लिए वो मूर्ति खुद दुआ मांगने लगी ताकि वो हमेशा के लिए उसकी हो सके और उसका अधूरा प्यार पूरा हो जाए। मैंने खुद को उसके कमरे में इनवाइट किया। खूबसूरत लग रही हो वो। हाँ, मगर उसकी आंखें जिंदगी भर बस उसे ही देखना चाहती हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं भी वही बन के रहूंगी। ये पौधा मुझे
मुरझा गया है। क्योंकि पहले उसने मुझे प्यार किया था, तो मैंने भी एक फैसला किया सिर्फ उसे प्यार करने का। दिखने वाला चांद है जिसे नया चांद कहा जाता है, वो महीने की शुरुआत में। मैंने सुना एक सीरियल शुरू होने वाला है, उसमें सपोर्टिंग कास्ट कौन है? आकाश में दिखाई देता है नए चांद की तरह, वो भी अदृश्य है। इतने लंबे समय तक जो चांद फलक पर छाया था, अब वो एक चमकता सितारा बन गया था जो अपनी खूबसूरत रोशनी दुनिया को दे रहा था। मेरा प्यार जो पूरे चांद की तरह था, अब उस पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अमावस की काली रात से लेकर पूनम की उजियारी रात तक, वो चांद जिसके 28 चेहरे हैं, हम सब जीते हैं अपने दम पर, प्यार का चेहरा बनकर, बस चेहरा बनकर। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्यार नहीं है, भले ही लोग इसे मेरा पागलपन कहें, लेकिन मेरे लिए ये प्यार है। ऐसा प्यार जो चांद बनकर चमक रहा है।